हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन लाए हैं हिंदी 50 मार्क्स का जो है टॉप 25 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से। आपके पूरे बुक से जो है टॉप 25 क्वेश्चन जो बनते हैं आपको वो कराएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इससे जो टॉप 25 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग साथ साथ याद करते जाना है, और अगर जिनको याद है आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी जो है किसने लिखी है। आपके पास 4 सेकेंड दिया जा रहा है। आप लोग पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए, और जिनको आंसर मालूम है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना आंसर दीजिए। एक आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। तो देखो, पंच परमेश्वर जो है शीर्षक कहानी जो है किसने लिखी है, तो प्रेमचंद ने लिखी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। बढ़ते हैं आगे, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको एग्जाम में एक भी मार्क्स कट ना हो। उसके बाद एक क्वेश्चन में दो कहता है, कवि जो है शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुखी और उदास महसूस करते हैं। तो कभी जो है वो शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करते हैं, तो दुखी और उदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुखी और उदास। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1900 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 मई 1900 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस चित्र से याद रखना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जन्म मृत्यु में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत आंसर देते हैं, आपको इस चित्र से याद रखना है। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1900 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर चार कहता है, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो दरभंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दरभंगा में आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो दरभंगा में आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार कर भाग जाना। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो हार कर भाग जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार कर भाग जाना। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर छह कहता है, दोहावली जो है किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, दोहावली किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहावली जो है किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रहीम की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोहावली जो है किसकी रचना है, तो रहीम की रचना है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन में अच्छा कहता है, कवि रामनाथ त्रिपाठी जो है किस बोली के रचनाकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, कवि रामनाथ त्रिपाठी किस बोली के रचनाकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली के रचनाकार थे। तो कवि रामनाथ त्रिपाठी जो है किस बोली के रचनाकार थे, तो खड़ी बोली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर एट कहता है, मनुष्य के जीवन में जो है दुष्ट कौन है। तो मनुष्य के जीवन में जो है दुष्ट कौन है, तो निष्क्रियता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निष्क्रियता। तो मनुष्य के जीवन में दुष्ट कौन है, तो निष्क्रियता जो है वो मनुष्य के जीवन में दुष्ट है। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले जो है आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ढेर सारे वीडियो लाने का। और आपको कल इंग्लिश का भी लाएंगे, तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक मिले।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उच्छ्वास का जो है प्रकाशन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। तो उच्छ्वास का प्रकाशन जो है कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में उच्छ्वास का प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी कृति पंत की लिखी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कृति जो है पंत की लिखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है पंत की लिखी नहीं है। ऑप्शन ए कहता है पल्लव पंत की लिखी है, गुंजन भी पल्लव पंत की लिखी हुई है, और युगांत भी पंत की लिखी है, और कुरुक्षेत्र जो है वो पंत की लिखी नहीं है। आपको ये सारे ऑप्शन भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन सी कृति जो है पंत की लिखी है, तो आपको ये ऑप्शन याद रहेगा तो आप जल्दी से टिक कर सकते हैं। तो कौन सी कृति जो है पंत की लिखी है, तो पल्लव गुर्जर और युगांत, और नहीं पूछेगा तो आपको आंसर देना है कुरुक्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन में 11 कहता है कलम का जादूगर जो है किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो कलम का जादूगर जो है किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राम वृक्ष बेनीपुरी। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन में 12 कहता है कौन सी पुस्तक आरसी प्रसाद सिंह की जो है वो नहीं है। तो कौन सी पुस्तक जो है आरसी प्रसाद सिंह की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथानिका। कथानिका पुस्तक जो है वो आरसी प्रसाद सिंह का नहीं है, और बाकी जो है ऑप्शन बी आंधी के पत्ते आरसी प्रसाद सिंह का है, एक प्याला चाय आरसी प्रसाद सिंह का है, और काल राती ऑप्शन बी सी डी जो है वो आरसी प्रसाद सिंह का है, और नहीं है तो कथानिका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कथानिका। तो कौन सी पुस्तक जो है आरसी प्रसाद सिंह की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कथानिका। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से जो है किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। आपको कल ही भी क्वेश्चन ये कराए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। आप लोग नीचे देखते हैं कि सभी किनको किनको याद है, ये आप लोग नीचे जाकर जल्दी से आंसर दीजिए। कौन से इनमें से जो है किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। इनमें से जो है किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का आपको जन्म अच्छी तरह से याद रखना है, 1908 ईस्वी में जन्म हुआ और 1974 ईस्वी में मृत्यु, ये दोनों आपको अच्छी तरह से इतना आपको याद रखना है, 1908 ईस्वी में जन्म और 1974 ईस्वी में मृत्यु। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मंगर जो है वो क्या है। मंगर जो है वो क्या है, तो शब्द चित्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शब्द चित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगर जो है वो क्या है, तो मंगर शब्द चित्र है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आजादी के पहले जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 30 कोटी। तो आजादी के पहले जो है भारत की जनसंख्या जो है कितनी थी, तो 30 कोटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 कोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको अच्छी तरह से याद रखना है आजादी के पहले जो है भारत की जनसंख्या जो है कितनी थी, तो 30 कोटी। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नीरव रोदन का जो है वो क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरव रोदन का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिना आवाज की रुलाई। तो नीरव रोदन का जो है क्या अर्थ है, तो बिना आवाज की रुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो नीरव रोदन का जो है क्या अर्थ है, तो बिना आवाज की रुलाई। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गाय का जो है निधन कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय का निधन कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गुड़ में लपेट कर स्वीट खिलाने से। यहाँ पर स्वीट है, यहाँ पर सुई होना, ठीक है।
तो देखो गाय का निधन जो है कैसे हुआ, तो गुड़ में लपेट कर सुई खिलाने से गाय का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुड़ में लपेट कर सुई खिलाने से। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणेश का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरजा नंदन। तो गणेश का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या है, तो गिरजा नंदन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिरजा नंदन। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है राजा का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र होता है। तो राजा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नरेंद्र होता है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है लकीर का फकीर होना। ये मुहावरा से क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, परंपरावादी होना। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो परंपरावादी होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है परंपरावादी होना। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21, कहता है आस्तिक का विलोम शब्द लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आस्तिक का जो है विलोम शब्द लिखे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। तो आस्तिक का जो है विलोम शब्द जो है वो क्या होता है, नास्तिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कृपा का विलोम शब्द क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कृपा का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या होता है, कोप होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, कोप। तो कृपा का विलोम शब्द जो है क्या होता है, कोप होता है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 23, कहता है सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है, कनक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनक। तो सोना का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है, कनक होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अक्सर बच्चे इसमें सो जाना टिक करके एग्जाम में चले आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है सोना का यहाँ पर बात हो रहा है। तो सोना का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है, तो कनक होता है। बढ़ते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन नंबर 24, कहता है आचरण का लिंग निर्णय करें। तो आचरण का लिंग निर्णय करें, आचरण जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। तो आचरण जो है वो कौन सा लिंग है, तो आचरण पुल्लिंग है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25, कहता है हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या होता है, तो हिम प्लस आलय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिम प्लस आलय। तो हिमालय का संधि विच्छेद जो है वो क्या होता है, हिम प्लस आलय। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको लाइक कीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी सब्जेक्ट देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।